गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन न्यू क्लास 9th। तो अज आप नवा सिलेबस शुरू करना है, तो ग्रामर का सिलेबस आप शुरू करांगे, थोड़ा थोड़ा सिलेबस करांगे। फर्स्टली है मुहावरे, तो मुहावरे का सिलेबस थोड़ी बुक दे विच जिहड़ा है वह क्लास दे विच है, उड़े तो लैके हाहे तक सारे साल दे विच आपां पांच वर्ड्स दे मुहावरे ने जिहड़े वो करने हैं। बट ये पांच वर्ड्स दे मुहावरियां दा कोई सिलेबस नहीं होएगा, कितों भी आ सकते हैं, कोई भी बुक दे विचों आ सकते हैं। इसलिए बड़े ध्यान दे नाल जिहड़ी अपनी बुक है उसनों भी करना है, नाल अपने कोई दोस्त की कोई होर बुक है तो उन्हें विचों भी कोई एक्सट्रा मुहावरा दिता है तो वह करना है, बड़े ध्यान दे नाल करने हैं। और मुहावरे आप पुरानिया क्लासा दे विच छोटिया क्लासा दे विच तो आप करते कि मुहावरे का सिर्फ अर्थ दित शब्द दिता है तो उसका अर्थ लिखना है, मुआक बनाना है। बट इन दे विच 9th दे विच आके मुहावरे ने जिहड़े वो तीन चार तरह के नाल पेपर दे विच अपने कोल आ सकते हैं। जिवें पहला मुहावरा जिवें आप छोटिया क्लासा दे विच कीता है कि शब्द दिता होया उसका अर्थ लिखना है और वाक बनाना है। दूसरी तरह का जे अर्थ दिता हो, अर्थ का आप मुहावरा दसना है भी इस अर्थ लई केड़ा मुहावरा हुंदा है। तीसरा आ जाता है कि एक मुहावरे दे विच्चों कोई ब्लैंक छड़ी होएगी, कोई वर्ड छड़िया होएगा, उस तरह ब्लैंक नू फिल करना है। जिवें आ जाता है अपने कोल उंगलां ते नचाउना, उंगलां डैश नचाउना, तो ते वर्ड है जिहड़ा वो ब्लैंक दे विच फिल करना आ सकता है। ठीक है, तो इस तों इलावा जिहड़ा चौथा आ जाता है शुद्ध मुहावरे नू चुनना, मुहावरा जिहड़ा वो गलत दिता होएगा तो गलत नू आपां ठीक करके लिखना है कि ये मुहावरा जिहड़ा है इस तरह ही ठीक हुंदा है। ठीक है, तो इस तों इलावा जिहड़ा आपां पंजवां है सिचुएशन दे अकॉर्डिंग है जिहड़ा वो मुहावरे नू चुनना है भी इस सिचुएशन ते किहड़ा मुहावरा है जिहड़ा वो लगेगा। हुण इहदे विच आपां फस्ट जिहड़ा मुहावरा अपने कोल है उस्तादी करनी, उस्तादी करनी दा मतलब चलाकी करनी, कोई भी किसी दे नाल चलाकी करदा है तो उस दे नाल आपां कह दिंदे आ उस्तादी करदा है। सैकेंड है उसल वट्टे भन्नने, पासे मारने, सारी रात नींद नहीं आनी आपां नूं तो आपां कह दिंदे उसल वट्टे भन्नने। उखली विच सिर देना, उखली विच सिर देना मतलब जान बूझ के मुसीबत वाला काम मोड़ लैना, मुसीबत दे विच फसना, कोई सामने आपां नूं पता है कि इत्थे मुसीबत है बट फिर भी असीं जान बूझ के उत्थे जा के असीं लड़ाई दे विच हिस्सा लईए तो पुलिस आके आपां फड़ के लै जाए तो आप कह दें उखले विच सिर दिता। उंगल करनी, किसी दे तोहमत लाउणी, तोहमत दा मतलब हुंदा किसी ते दोष लगाउणा, किसी नूं दोष आप किसी ने चोरी की है या नहीं की है बट आप उस दे वल उंगल कर रहे हैं, दोष लगा रहे हैं उस दे उपर। उंगलां ते नचाउणा, किसी नूं वस विच करके उस कोलों कम करना, अपना काम करवाउणा, उंगलां ते नचाउणा। उजाड़ मलनी, फकीरी धारण करनी मतलब किसी ने संन्यास लै लेना, अपने दुनिया नूं छड़ देना और जंगलां दे विच जाके तपस्या करन लग जाना, उहनूं बोलदे ने उजाड़ मलनी। उड उड के पैना, उड उड के पैना किसी नूं अग्गे अग्गे हो के लड़न नूं पैना, गल पैना कि कोई भी गल करना तो उहनूं हर वेले लड़न नूं पै जाना, उच्ची उच्ची बोलना उस दे नाल। उमर दीआं रोटियां कमा लैनियां, काफ़ी धन जमा कर लैना, काफ़ी धन जमा करना मतलब इन्नी मेहनत करना जवानी दे विच, इन्निया इन्ना पैसा इकट्ठा कर लेना तो उन्हूं कह दिंदे उमर दीआं रोटियां कमा लैनियां। उस तों बाद है उल्लू बोलने, उजाड़ होनी, जिवें हुण कोई जगह बार बरंग है जिस जगह दे उपर कोई भी आंदा जांदा ना होवे तो उसनूं बोलदे ने उल्लू बोलने, वी गर्मियां दीआं छुट्टियां ने या हुण करोना दा टाइम है स्कूल दे विच कोई भी नहीं हुंदा है तो उहनूं आपां बोलदे ने कि स्कूल दे विच उल्लू बोल रहे हन। ऊट दे मुँह विच जीरा देना, बहुत खाण वाले नूं थोड़ा जिन्ना देना, कोई चार रोटियां खाँदा या पंज खाँदा है तो उसनूं आपां अद्धी रोटी या दो बाइट ही दे दिए तो उसनूं कह दिंदे आ ऊट दे मुँह दे विच जीरा देना है। ठीक है, तो इस तों बाद है कुछ जिहड़े मुहावरियां दे अर्थ दित्ते होए ने तो उसनूं वाक असीं अपने आप ही बना सकते हैं, जिवें है उल्लू सीधा करना अपना मतलब कढ़ना है, 19-21 दा फर्क है, मामूली फर्क है, उच्चा साहना कढ़ना, सहम जाना, डर जाना। ठीक है, कोई आपनों वेख्या तो आप कह दें कि उच्चा साह ही नहीं निकलिया, वो बहुत सहम गया, वो डर गया। उल्लू बनाउना, मूर्ख बनाउना है, उच्चा नीवा बोलना, ताने मेहने मारने, उच्चा नीवा किसी नूं अपशब्द बोलने भी आ सकता है, किसी नूं डांटना, किसी नूं गलत बोलना इस तरह नाल भी आ सकता है। ओड़ पोड़ करने, घरेलू इलाज करने, ओड़ पोड़ करने घरेलू इलाज का मतलब कि यह कि कोई बीमार हुंदा है तो आप डॉक्टरी दवाई लैन तो पहला घर दे विच ही जिहड़ा कुछ ना कुछ उसनूं कुछ देंदे रहिए तो उहनूं बोलदे ने घरेलू इलाज करना या ओड़ पोड़ करने। ठीक है, उफ ना करनी, उफ ना करनी मतलब सी भी ना करनी, कोई जरा भी डरना ना, जरा भी ना बोलना। उबाले खाना, गुस्से विच आउना, उबाले खाना गुस्से विच आउना, बहुत गुस्से विच आउना, तो कह पैना दुध जिवें गर्म बहुत ज़्यादा हुंदा उबाले आउंदे हन तो उस तरह ही जड़ा है बहुत गुस्से दे विच हो गया तो इसलिए उबाले खा रहा है।
उन अलाउ नहीं बहुत लुटना का मतलब कि मेले के जाने आप 2 रुपए की चीज़ है 10 रुपए की चीज़ मिलती है तो उसको आप बोल देने उन अलाउ नहीं बहुत लुटना तो ठीक है। ये भी स्टूडेंट्स है अपने को जड़े ने उड़े वाले मुहावरे ने मेरी बुक के इन्ने हैं थोड़ी बुक के कोई एक्सट्रा वर्ड वर्ड दिता हो भी तुसी याद करना है या अपने दोस्त मित्र की कोई दोस्त बुक है जिस दे विच कोई एक्सट्रा दिता है तो उसनों भी याद करना है क्योंकि 9th विच आके कोई सिलेबस नहीं है कि केड़ी बुक दे विचों कोई भी वर्ड आ सकता है। तो बैक एक्सरसाइज दे विच इस दियां टाइप्स दित्तियां हुई हैं तो तुसी अपनी अपनी बुक दे विचों बैक एक्सरसाइज दे विचों याद करना है कि ये किस तरह आ सकते हैं ठीक है। तो प्रैक्टिस करोगे तो पता लग जाएगा कि ये किस तरह करने हैं। थैंक यू।